आश्वस्त करने के लिए पुलिस की व्यवस्था और सिंह साधन को मैंने की, इसको मैंने कहा कि स्वयं विजिट करें इसकी नंबर भेज दो। हाजी से बात किया, हाजी से ईडी से उन्होंने किया है, फोन किया वो ऑफिस स्टेशन जा रहे हैं, जो मायना का टाइम उसको मिस्टर बंसल अशोक बंसल से बात किया है, ईडी है, उन्होंने भी कहा है कि 200 फुट पैकेट उपलब्ध है। अच्छा, लेकिन मैंने कहा ये तो उसके मुंह में जीरा है, आज भी घटना हो गई, मैंने कहा कल से 5 टेंट जमीन में और कुछ और राहत के लिए बात करें, 50 वाले से बात किया तो 11 बजे मीटिंग है, उन्हें आश्वासन दिया करेंगे 11 बजे मीटिंग और एक मीटिंग के बाद घोषणा करेंगे। तो जितनी संस्थाएँ कर रही हैं मैं अभी जिला अध्यक्ष जी से बात करके और अपने साथियों से बात करके संजय जी राम जी एक जिलाधीश के साथ उनके निगरानी में, लेकिन उनका अधिकार उस पर नहीं होगा, खर्च का अधिकार कमीशन की होगा, वो निगरानी खंड पे होगा। एक राहत कोष की घोषणा मैंने की और मैंने राज्यसभा की जो सैलरी होती है वो 1 लाख रुपये राहत कोष देती है और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि 1 पैसा से लेकर जो भी सक्षमता हो, जितनी संवेदनशीलता हो, राजसभा का 1 महीने का वेतन, एक्चुअली मैंने केरल में जब बाढ़ आया था तो मैंने 1 लाख दिया था और सही बिल्कुल सही दूरी तक दिया था, मैं ये हादसा देख कर मुझे लगा कि अभी बढ़ चढ़ के मदद करना चाहिए, तो मैं जिला के डॉक्टरों को व्यवसायियों को स्वयं फोन करूँगा कि वो राहत डाले, जिलाधीश कोई अकाउंट वगैरह कर या कैसे व्यवस्था करते हैं, पैसे की ट्रांसफर से बने रहते हैं, हर यहाँ के स्थानीय लोग के अनुरोध पर वो समिति करें। जैसे कुछ घरों में विवाह है, किसी बेटी का विवाह है, तो ये स्थिति है और आवास योजना के लिए भी हम बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी के हम मैंने फोन से 2 बार फोन किया, सहायक हरेंद्र जी से बात की, वित्त मंत्री जी को उन्होंने सूचना दी, मुख्यमंत्री जी बोले मैं जनता दरबार से बाहर आकर बात करता हूँ, इसमें दलीय राजनीति से ऊपर उठकर और विचार और किसी प्रकार की जो विभाजन की स्थिति है उससे उठकर लोगों को मदद भी, अभी मदद करना ही विचारधारा है, मदद करने के लिए दूसरी कोई विचारधारा नहीं। जी जी हो गया।